वेलकम टू लंड में संग्राम। दोस्तों मैं हूं मुकेश संग्राम और आज का हमारा टॉपिक है विश्व में कुल कितने देश हैं। दोस्तों जब हम देश विदेश की बातें करते हैं तो अक्सर ये प्रश्न हमारे मन में आता है विश्व में कुल कितने देश हैं। कोई कहता है 200, कोई कहता है 196, कोई कहता है 195 और कोई कहता है 193। लेकिन सच क्या है और इस सच की तलाश में जब हम गूगल पे सर्च करते हैं तो वहां भी हमें तरह तरह का आंसर दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों आज मैं आपको सटीक आंसर बताऊंगा विश्व में कुल कितने देश हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आपको बहुत ही आसानी से प्राप्त हो सके और मेरे वीडियो को भी प्लीज लाइक करें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं कल से विश्व में जितने भी देश हैं सभी देशों पर एक एक करके वीडियो विस्तार पूर्वक बनाने जा रहा हूं, जिससे आप लोगों को सभी देशों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हो। दोस्तों विश्व में कुल देशों की संख्या 195 है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया का सबसे प्रभावशाली संगठन है और इस संगठन में कुल देशों की संख्या 193 है, जिसमें से दो देश को सम्मिलित नहीं किया गया है। वो दो देश है ताइवान और वेटिकन सिटी। दोस्तों अब सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का लक्ष्य आने वाले पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाना है। इसका मिशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा कायम रखने तथा सभी देशों के बीच मैत्री संबंधों को बढ़ावा देना है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी को हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट कर बताएं। धन्यवाद।